ये प्रामाणिक बात निवेदन कर रहे हैं हम आपके सामने। यहां परम पूज्य कृपाराम जी महाराज अपने मधुर कंठ से आप सबको भागवत कथा सुना रहे हैं, और भागवत जी में एक प्रसंग आता है मेरे भाई बहनों, द्वितीय स्कंद के 90 अध्याय में। हमें भागवत जी का अभ्यास नहीं है महाराज जी, बस थोड़ा इधर दूर से जाना है। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 90 अध्याय में प्रसंग आता है कि वेवस्त मनु थे श्राद्ध देव, उनकी पत्नी थी श्रद्धा देवी। लंबी अवधि तक उनको बाल बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। जब आचार्य जी आहुति दे रहे थे तब देवी श्रद्धा ने कहा, हे प्रभु, मंत्र ऐसे बोलना कि मुझे बेटी हो। बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। बुढ़ापे तक बच्चे नहीं हुए तो भी पहले नंबर पर देवी श्रद्धा ने बेटी मांगी है, बेटा नहीं मांगा। ये भागवत जी में प्रसंग है। मेरे भाई बहनों, पहले नंबर पर कन्या हो। आप एक प्रयोग करके देख लीजिए। हम ये नहीं कहते कि हमारी बात आप आंख बंद करके मान लो। आंख बंद करके मानोगे तो अंधविश्वासी कहलाओगे। विश्वास जीवन में जरूरी है, लेकिन बिना जांचे पड़ताले कोई काम किया वो तो अंधविश्वासी है। विश्वास आवश्यक है, लेकिन अंधविश्वास आत्महत्या से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरा देश वैज्ञानिकों का देश है, जहां व्यास जी जैसे और नारद जी जैसे महावैज्ञानिक प्रकट हुए थे। उस देश में अगर आज कोई कहे कि हम बहुत दुखी हैं, और उनको उत्तर मिले कि तुम अपने फ्रिज का कलर बदल लो, तुम्हारे पर कृपा आ जाएगी, और फिर लोग ऐसा करने लगे तो दया आती है। ऐसे आधुनिक हिंदुस्तान पर, मेरा हिंदुस्तान अंधविश्वासी कभी नहीं था। जितना अंधविश्वास इस आधुनिक जीवन में मनाए, जब तक फेंटे धोती थे तब तक अंधविश्वास नहीं था, लेकिन जब से ये जींस और टाई वाले बाबू टाइप लोग बड़े हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में अंधविश्वास भी ज़्यादा बढ़ा है। अंधविश्वास बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में सारी विज्ञान सम्मत बातें हैं, अंधविश्वास युक्त बातें नहीं है। आप खुद जांच करिए, अपने इस मांडवा गांव में 150-200 घर होंगे, एक डायरी पेन लिख के निकलिए और पूछिए, पहले नंबर पर बेटा किस किस के घर में है और पहले नंबर पर बेटी किस किस घर में है। फिर जिनके घर में पहले नंबर पर बेटी हो उसको पूछना, तुम्हारा बेटा कितनी सेवा करता है, और जिसके पहले नंबर पर बेटा हो उनको पूछना, तुम्हारे बेटा कितनी सेवा करता है। जिनके घर में बेटी होगी उनका जवाब मिलेगा कि मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा है, और जिनके घर में सबसे बड़ा बेटा होगा उनको जवाब मिलेगा, ठीक है बाबूजी, जमाना सही असल है। ये प्रभाव हमने प्रत्यक्ष देखा है। जिस घर में पहले कन्या जन्मती है और बाद में पुत्र जन्मता है, वो पुत्र माता पिता की अपेक्षाकृत अधिक सेवा करता है। ये उस बेटी के पुण्य का विशेष प्रभाव होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि ठाकुर जी, पहला नंबर पे तो बेटी दो।